ग्रीटिंग्स एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक्स मेनिया पर। आज हम करेंगे इस पार्सल की अनबॉक्सिंग। ये पार्सल मैंने एक फ्रेंड से व्हाट्सएप ग्रुप में डील करके लिया था। मैं ऊपर की लेयर को हटाकर कॉमिक्स दिखाता हूँ कि कॉमिक्स किस कंडीशन में है। ऊपर की पैकिंग को हमने हटा दिया है। आप देख सकते हैं हमारे मित्र ने कितनी अच्छी पैकिंग की है। हालांकि वो एक प्रोफेशनल सेलर नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छी लेयरिंग कर रखी है। ऊपर बबल रैप दिख रहा है, अंदर अखबार में कॉमिक्स दिख रही हैं। मैं सारी लेयर्स को हटाकर फिर आपको कॉमिक्स दिखाता हूँ। और ये है अब सबसे लास्ट लेयर जिस पर अखबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये गुजराती लैंग्वेज में है, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा पार्सल अब की बार गुजरात से आया है। हमारे मित्र ने अब की बार इस पैकेजिंग में प्रोफेशनल सेलर को भी पीछे छोड़ दिया है। अखबार के अंदर फिर से एक और लेयर आई है वाटरप्रूफिंग करने के लिए। क्या ही बात है, इसको भी हटाकर फिर कॉमिक्स हमारे हाथ में आएंगी, फिर कॉमिक्स दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों सारी लेयर हट चुकी हैं एक एक करके, और अब कॉमिक्स हमने रख ली हैं। आप देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमिक्स आई हैं। ये काफ़ी अच्छे मूल्य पर मिली हैं मुझे। तो पहली कॉमिक्स है डोगा निर्मूलक बाय संजय गुप्ता। ये डोगा उन्मूल श्रृंखला की कॉमिक्स है। डोगा अंश और अगली कॉमिक्स है डोगा उन्मुक्त, इस श्रृंखला की कॉमिक्स। फिर है डोगा न्याय। ये कॉमिक्स खैर आप ले ही चुके होंगे अभी तक। पेजेस ग्लोसी हैं और ये संजय गुप्ता वाले रीप्रिंट्स आए थे, वो हैं। ये ओरिजिनल कॉमिक्स नहीं हैं, ये रीप्रिंट्स हैं। फिर अगली है डोगा ध्वस्त। मूल्य शायद इस पर कहीं भी मेंशन नहीं है। निर्मूलक क्रांति, मुझे ये नहीं पता कि ये कॉमिक्स इसी सीरीज में आई थी या इनका सीक्वेंस कुछ आगे पीछे है। सीरीज तो पूरी हो गई है 8 कॉमिक्स की, ये तो मुझे पता है, पर सीक्वेंस नहीं पता। अभी मैंने ये श्रृंखला पढ़ी नहीं है। और इसका कलेक्टर एडिशन आएगा तो पहले इसको पेपरबैक को पढ़ के फिर डिसीजन लेंगे कि सीई भी लें या ना लें। प्रिंटिंग तो काफ़ी अच्छी आई है और ये इस सीरीज की आखिरी कॉमिक्स डोगा बेकाबू। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कितना मूल्य पे किया है इन कॉमिक्स के लिए, और आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करूंगा फिर इसका। तो ये थी एक श्रृंखला डोगा की। अब ये कुछ रीप्रिंट्स जो मैंने मंगाए थे सुपर कमांडो ध्रुव के। सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ मेरे अंक अभी पूरे मिले नहीं हैं मुझे मेरा कलेक्शन पूरा करने के लिए। जैसे ही वो पूरा होगा फिर आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखाएंगे। अब कुछ ही टाइटल मिस हैं। काल ध्वनि, इस सेट में सिर्फ यही एक कॉमिक्स मिस थी मेरी। बाकी के कॉमिक्स मैंने HBMC लिए थे जब रीस्टॉक हुआ था दिवाली के पास, पर काल ध्वनि नहीं थी। कोई बात नहीं, तो अब आ गई है हमारे पास काल ध्वनि। ये गेम ओवर, ये RCMG के रीप्रिंट्स हैं। धीरे धीरे हमारा कलेक्शन पूरा होने वाला है ध्रुव का। नागराज और ध्रुव दोनों के कुछ ही टाइटल्स मिस हैं मेरे अभी। ये है स्टैचू, आखिरी ध्रुव। क्या बात है दोस्तों, काफ़ी अच्छे रिप्रिंट्स आए हैं। ये शायद इनका CE भी आएगा, आखिरी ध्रुव और ध्रुविष्य का। कॉमिक्स एकदम मिंट कंडीशन में आई हैं। मज़ा आ गया दोस्तों कॉमिक्स देखकर। ये कॉमिक्स सिंपल कागज पर है, ग्लोसी कुछ नहीं है, ये सिंपल पेपर है। ध्रुविष्य में, आखिरी ध्रुव में भी ऐसा ही है। और फिर नेक्स्ट गुप्त, 130 रुपये मूल्य है इन कॉमिक्स का। आप सरप्राइज हो जाएंगे जब मैं आपको इनका मूल्य बताऊंगा कि मैंने किस मूल्य पर इनको लिया है। ये भी 130 रुपये की कॉमिक्स है। पेजेस कितने हैं इनमें, यस ये ऑलमोस्ट 75-76, दैट्स वाई प्राइस इज 130।
अभी तो खैर रेट फिर से इंक्रीज हो गए हैं। और लास्ट कॉमिक्स जो आई है रोबिन हुड। तो ये कुछ ध्रुव के टाइटल्स मैंने मंगाए थे और ये डोगा के। आप ध्रुव का कलेक्शन शायद मेरा नागराज के कलेक्शन से भी पहले ही पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।